सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सरदाजी। एंड गाइस, आ चुका मैं आपके लिए ग्रैनी चैप्टर 2 की एक और नई वीडियो लेके। एंड गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ग्रैनी एंड ग्रैंपा को बिना कोई वेपन यूज़ किए इजीली कैसे किल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको ना ही शॉर्ट गन चाहिए, ना ही स्टन गन चाहिए एंड ना ही कोई बॉम्ब या ग्रेनेड चाहिए। आप गाइस इन्हें इजीली किल कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी वेपन। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है ग्रैनी की। गाइस, मैं आपको ग्रैनी को सबसे पहले किल करके दिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी वेपन। एंड गाइस, ग्रैनी को आप यहीं से किल कर सकते हो, इसी कमरे में किल करके दिखाऊंगा। गाइस, इसके लिए पहले सबसे पहले मैं थोड़ी आवाज करता हूँ एंड गाइस मैं साइड पे आ जाता हूँ ताकि ग्रैनी इस कमरे में आ जाए। एंड गाइस, आप देख सकते हैं ग्रैनी इस कमरे में आ गई है। गाइस, अभी हमें फिलहाल ऊपर की ओर जाना है ताकि हम इससे बच सकें, अपना डंडा ना मार दे हमें। गाइस, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड गाइस हमें कोई ऐसी चीज उठानी है जिसकी आवाज ग्रैनी सुन ले। गाइस, यहाँ पर मुझे एक फ्लावर पॉट मिला है, फ्लावर पॉट लेके हम ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पर गाइस एक कमरा है एकदम लास्ट में जाके, हमें सिंपली यहाँ पे आ जाना है। एंड गाइस, यहाँ पर आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं लोहे की जो प्लेट सी लगी है, इसे नीचे पहले गिरा देते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ जाए। पहले दरवाज़ा बंद कर दूँ गाइस। अब यहाँ पे देखिए गाइस, अभी जो है ग्रैनी आ जाएगी। यहाँ पे आने से पहले गाइस, जैसे यहाँ पर आती है हम यहाँ पर जो है फ्लावर पॉट से आवाज़ कर देते हैं ताकि गाइस ग्रैनी जो है इस लोकेशन पर आए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। गाइस, फ्लावर पॉट अभी हमारे काम का है, इसी फ्लावर पॉट से हम ग्रैनी को मारेंगे। एंड गाइस, आप देख सकते हो फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। एंड गाइस, ग्रैनी आ गई। ओ शिट मैन, फ्लावर पॉट ऊपर ही रह गया। चलो कोई ना गाइस, हम कोई भी चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे ग्रैनी के कानों में आवाज़ पड़ जाए और नीचे आ जाए। एंड गाइस, यहाँ पे मुझे एक सिक्योरिटी की मिली है कोई ना गाइस, इसी के यूज़ से मैं आपको जो है ग्रैनी को किल करके दिखा देता हूँ। अभी गाइस हमें इस कमरे में आना है। एंड गाइस, जहाँ पर मैं ये फेंक रहा हूँ ना, आपको भी सिक्योरिटी की यहीं पर फेंकनी है। अकेली सिक्योरिटी की नहीं, आप कुछ भी उठाकर यहाँ पर फेंक सकते हैं, ग्रैनी 100% यहाँ पर आएगी। आपको यहाँ पर आकर जो है छिप जाना है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं ग्रैनी आ चुकी है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं ग्रैनी इस कमरे में चली गई, हमें भी जो है इस कमरे में आ जाना है। गाइस, डरना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है इसे स्विच को चला देना है। एंड गाइस, आप देख सकते हो फाइनली जो है ग्रैनी मर चुकी है। हमने बिना कोई वेपन के यूज़ किए ग्रैनी को इजिली किल कर दिया है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं पूरी डेड है। एंड गाइस, इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस, इसी ट्रिक से आप ग्रैंपा को भी इजिली किल कर सकते हो। गाइस, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अब बारी है ग्रैनी के हस्बैंड ग्रैंपा की। एंड गाइस, उसे भी हम इसी ट्रिक से मारेंगे। एंड गाइस, सभी लोगों को लगभग पता ही है कि भाई ग्रैंपा को किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देती, वो एकदम बहरा है। लेकिन नहीं गाइस, ये चीज़ गलत है। अभी मैंने जो स्विच दबाया है, जो अलमीरा की जो आवाज़ आई है, उसकी आवाज़ ग्रैंपा को सुनाई देती है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है। एंड गाइस, हम जल्दी से ऊपर भागते हैं। एंड गाइस, जो ऊपर फ्लावर पॉट पड़ा है ना, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है ग्रैंपा को। अगर हम इसे नीचे गिरा दें तो अभी जो है ग्रैंपा हमारे पास आ जाएगा, उसे जो है इसकी आवाज़ इजीली जो है सुनाई दे जाती है। एंड गाइस, जहाँ पर भी ये गिरता है वो भाग भाग कर आ जाता है। एंड गाइस, अभी मैं इसी ट्रिक को यूज़ करने जा रहा हूँ। अभी जो है हमें फ्लावर पॉट चाहिए, हमारे बड़े काम का है। एंड गाइस, अभी मैं देखता हूँ, 2-3 बार ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड गाइस, अभी देखना ग्रैंपा आ जाएगा। एंड गाइस, अभी से मुझे उसके फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। एंड गाइस, देख सकते हैं अपनी जादू की छड़ी लेके दादा ऊपर आ चुके हैं। एंड गाइस, हमें यहीं से जल्दी से नीचे भाग जाना है। एंड गाइस, यहां से जो है हमें सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाना है। एंड गाइस, ग्रैंपा को भी हम इजीली किल कर देंगे इसी ट्रिक को यूज़ करके। एंड गाइस, सबसे नीचे वाले फ्लोर में हम जा रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर हमें जो है इस फ्लावर पॉट को 2-3 बार ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर एकदम बीच में आकर, इस अलमारी के बीच में आकर, ताकि गाइस वो दादा नीचे आए ना तो भाई एकदम बीच में आकर खड़ा हो जाए उससे, क्योंकि यहीं से आवाज़ आई थी फ्लावर पॉट की। एंड गाइस, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी नीचे आ चुका है। ओए होए, मरने की इतनी जल्दी है। एंड गाइस, अभी हम इस स्विच को दबा देते हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हैं ये बुढ़ा भी मर चुका है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं जो गले में अपनी सिक्योरिटी की लेके घूमता है, ये भी हम उठा लेते हैं। एंड गाइस, इस ट्रिक को यूज़ करके आप ग्रैंपा एंड ग्रैनी दोनों को ईजिली किल कर सकते हैं। एंड गाइस, इस तरह से आप इस ट्रिक को ईजिली यूज़ कर सकते हो।
सो दोस्तों ग्रैंडपा एंड ग्रैनी को मारने की ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर गाइस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस ग्रैनी चैप्टर 2 की ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि गाइस जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाए सबसे पहले। तो चलिए गाइस वक्त हो गया जाने का, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।